चले चलो. हे गाइज वेलकम बैक माई चैनल, दिस इज रमेश. फिर भी वीडियो का शुरुआत है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं. आई होप आप सभी ठीक हो. दोस्तों आज हम जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, हाँ एक मरीन फिश एक्वेरियम है. मरीन फिश एक्वेरियम आपको साउथ गोवा में वरना के तरफ है, हम जा रहे हैं अभी उसको देखने. हमारे साथ है हमारी दोस्त गौरव जी, है हमारे पीछे बैठे हैं. गौरव जी का इच्छानुसार हम जा रहे हैं आज कहाँ, एक्वेरियम देखने. तो चलिए दोस्तों एक्वेरियम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, दिखाने के लिए कोशिश करते हैं. बोलते हैं कि लोग वहाँ 35 या 40 टाइप ऑफ फिशेस वहाँ मिल जाएगा. तो फिश देखना ही एक क्यूरियोसिटी है, कैसे है कैसे रहेगा फिश, वो सब चीज़ देख करके. तो अभी जा रहे हैं हम फिश एक्वेरियम देखने. ये आपको मिल जाएगा साउथ गोवा में मड़गांव जाने वाली जो रास्ते में है, एयरपोर्ट से नियरेस्ट मतलब 12-13 किलोमीटर दूर मड़गांव की तरफ वरना सर्कल आ जाएगा. वरना से लेफ्ट राइट साइड में है, सॉरी राइट साइड में ये फिश एक्वेरियम आपको मिल जाएगा. और उधर स्कैरी हाउस भी है और कुछ स्पेशली बच्चों के लिए हो सकता है, एक वन डे ट्रिप के लिए ये अच्छा लगेगा होगा. देखते हैं वहाँ जा कर के, आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ का क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है. तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका ओपिनियन है उसको कमेंट कीजिए प्लीज़. उस कमेंट से हम कुछ सीख सकते हैं और कुछ सुधार कर सकते हैं. इधर ही होगा, अभी लेफ्ट जाना होगा, लेफ्ट से आकर के फिर राइट टर्न करके वहाँ जाना होगा. चलिए वहाँ चलते हैं एक्वेरियम पे, दिखाते हैं आपको और हम. एक्वेरियम वरना में है, वरना गोवा में है. जैसा कि आप जानते हैं एक्वेरियम मुख्यतः एक्वेरियम जल जीव शालाओं को बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ जल जीव शाला बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे पास एक दोस्त है मद्रासी मित्र जो इनको थोड़ा सा परेशानी होती है जल जीव शाला करने में, तो हम लोग एक्वेरियम ही बोलेंगे. एक्वेरियम में मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जो एक निजी होता है और एक बिजनेस क्लास के लिए, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है. आमतौर पर ऐसा इतिहास के बारे में अगर बता करें तो इतिहास में ऐसा वृतांत है कि एक्वेरियम का स्पेसिफिक एग्जैक्ट डेट नहीं है कि ये कब से शुरुआत की गई. मुख्यतः इतिहास में मैंने पढ़ा कि ये भारत में सुमेरवासी एक्वेरियम का यूज़ किया करते थे, बाद में पूर्ववर्ती चीन के शासकों द्वारा जो चाइना में है उनके द्वारा एक्वेरियम हौज करके तालाब द्वारा किया जाता था. ओके आइए देखते हैं आगे. भाई साहब हम आए हैं अभी एक्वेरियम में, तो आपको हर तरीका यहाँ पर मछली मिल जाएगी. वो मछली फिश है, उनको मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ. अभी जहरीला मछली बोलते हैं इसको, बिल्कुल भी नहीं टच करने पर ये हो सकता है आपको काट खाएगी, मेरे आपको परेशानी की सबब बन सकती है. और ये सबसे यहाँ आकर्षण ना दिखा दे बेबी शी. ओ
ये काफी डरावनी और thank you.
हम लोगों ने अभी जल जीवशाला देख लिया है और हम लोग अब चलेंगे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस में द वर्ल्ड ऑफ घोस्ट की तरफ। स्कैरी हाउस है, स्कैरी हाउस बोलते हैं, मैं तो बहुत डर लगता है मेरे को। देखते हैं अंदर जाएंगे और है कहाँ उधर, देखते हैं। भाई साहब हमने मना कर दिए फिर भी हॉरर मूवी का टिकट ले लिए हैं और हॉरर में बहुत डर लगता है, देखते हैं क्या है। और मेरा कहना है कि डर के आगे जीत है, डरना चाहिए और डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे साथ बाहुबली है। क्या पूछा आपने? आए हैं और कभी भी अंदर जा सकते हैं हॉरर हाउस में, तो अगर आपको हिम्मत है आइए मेरे साथ। समय सीमा क्या होगी? कोई समय नहीं, आप जैसे जितने आपको अंदर रखने का मतलब रहने का सही है, क्या बोलते हैं, जब तक आप डरते नहीं है तब तक आप अंदर आ सकते हैं। ओके चलिए लेट्स सी। और एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड ऑफ घोस्ट, घोस्ट की तस्वीरें। डेड बॉडी है, ज़्यादा तो इतना ज़्यादा तो डरावना नहीं। हाँ इतना ज़्यादा डरावना नहीं था, ज़्यादा डरावना नहीं था, बस एक बच्चों के लिए बेस्ट है। वो काफ़ी बच्चों और महिलाओं के लिए बच्चों और महिलाओं के लिए। तो जी हमने आए थे यहाँ पर एक्वेरियम पे, तो फिश एक्वेरियम तो हमने देख लिए है और बहुत नाना तरह यहाँ फिशेस यहाँ पर है, देखने में बहुत सुंदर है और बच्चों को ये तो बहुत लाइक हो जाएगा। तो अभी चलते यहीं से, फिर मिलेंगे अगेन कहीं और एक दूसरी जगह में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार।